सहजन आप लगाते हैं तो इसमें जो है वर्ष एक वर्ष में ये बड़ा हो जाएगा और लगभग जो है एक पेड़ से 10 किलो के आसपास आप सहजन की फली जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम 50 रुपए के हिसाब से इसका रेट देखें तो 500 रुपया एक पौधे से आप बड़े आराम से जो है इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। सहजन जो है हमारे लिए बहुत ही एक मददगार फसल साबित हो सकती है। जो हमारे खेतों की मेड़े हैं, अगर हम मेड़ों का प्रबंधन कर लें तो मेड़ों से अतिरिक्त आय हमें सहजन के रूप में जो है मिल सकती है। तो सहजन किसान साथियों, सहजन की जो प्रजातियां हैं उसमें दो प्रजातियां ऐसी हैं जो कि विश्व स्तर पर काफ़ी इसकी मांग है, जिसमें PKM1 और PKM2। ये दोनों प्रजातियाँ जो है ख़ास तौर से फली के लिए भी और चारे के लिए जो है बहुत ही अनुकूल है। सहजन जो है एक तरह से हम देखें तो बहुवार्षिक पौधा है और इसको मेड़ों पे किनारे किनारे बड़ी आसानी से उगाया जा सकता है। दूसरी चुनौती ये है कि अब धीरे धीरे किसानों के जो फसल लगाते हैं किसान भाई, वो हम फूलों की खेती नहीं करते हैं, जिससे कि मधुमक्खियाँ जो हैं हमारे आवागमन उनका हमारे खेतों में अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है। पेस्टिसाइड का जो लगातार हम अंधाधुंध छिड़काव कर रहे हैं उससे हमारे जो है ये जो मित्र जीव है वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। दूसरा फायदा इससे ये है कि जब इनके फूल आएंगे तो फूल से जो है मधुमक्खियां जो है ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होंगी और आपके खेतों में परागण करेंगी। साथ ही साथ जो है आपके जो हमारा जो है आसपास का जो हमारा जो फसल लगी हुई है उसमें उत्पादन अपने आप ही जो है स्वतः ही वृद्धि हो जाएगी। तीसरी बात यह है कि जो इसके पत्ते हैं वो उसके पत्ते जो है पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा आहार हैं और एक औषधीय जो है पदार्थ के रूप में काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि इन पत्तियों को सुखा करके हम एक्सट्रैक्ट बना करके पाउडर बना करके निर्यात भी कर सकते हैं या हम अन्य बाज़ारों में, एक बड़ी मांग है आजकल, जितने भी कैप्सूल आप देख रहे होंगे सहजन के जो पाउडर्स हैं उसमें सब में मिलाया जा रहा है, तो इनके लिए जो है सहजन के पाउडर्स जो है इसकी बिक्री का एक आमदनी जरिया हो सकता है। साथ ही साथ इसका तेल जो है, ये एक ऐसा पौधा है कि इसका हर एक भाग जो है आपके लिए बहुत अनुकूल उपयोगी है, तो इसके तेल भी, इसकी फलियों से भी आप तेल निकाल सकते हैं। साथ ही साथ जो है इनके जो है अगर जो बीज हैं, बीजों से भी क्या बोलते हैं आप ऑयल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो अगर आप केवल फलियां न बेचें, बीज ही केवल इकट्ठा कर लें तो इनके बीजों को बना करके आप अच्छे मार्केट में अच्छे दाम पे आप बीज भी बेच सकते हैं। जो कद्दू वर्गीय पौधे जो है फसलें लेते हैं, जो बेल वाली फसलें हैं, उनमें जो है चढ़ाने के लिए आप ज़्यादातर बाँस का प्रयोग करते हैं, तो उन बाँसों का विकल्प के रूप में आप बीच बीच में अगर आप सहजन लगाते हैं, नीचे से आप शाखाएं काट दें तो पौधा आपका ऊपर जो है ऊपर आपका वृद्धि करेगा, नीचे जो आपका है उसमें आप सुतली की सहायता से अपने पौधों को खड़ा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर किसान भाई सहजन के 100-200 पौधे भी अगर आप लगा लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी फसल की लागत जो है बड़े आराम से, अपने फसल की लागत, मूल लागत जो फसल है आपकी, उसको आप निकाल सकते हैं।